मर्डर के मामले में पुलिस ने काबू किए गए आरोपी को आज अदालत में पेश किया है, जहां से अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जेसीबी मशीन बरामद कर ली है। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त गुरदीप के रूप में हुई थी। यहां आपको बताते चले कि गुरविंदर उर्फ बंटी निवासी गांव बबैन, जेसीबी चालक और गुरदीप निवासी गांव लखनोनी, जिला उत्तर प्रदेश, ट्रैक्टर चालक दोनों शिव ईंट भट्टा गांव बस्ताड़ा पर भट्टा मालिक सतीश के पास काफी समय से काम करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। 15 अप्रैल को दोनों में काम के चलते झगड़ा हो गया था, जिस कारण से दोनों में आपसी रंजिश हो गई। रात को गुरविंदर उर्फ बंटी निवासी गांव बबैन पानीपत ने गुरदीप निवासी गांव लखनोनी, जिला सहारनपुर की सोते समय शिव ईंट भट्टा गांव बस्ताड़ा में जेसीबी मशीन का पंजा मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने मृतक के जीजा अनिल निवासी गांव नगला फार्म के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। आपको बता दें कि मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधक अवसर निरीक्षक तरसेम चंद थाना मधुबन ने उप निरीक्षक हरिकिशन की अध्यक्षता में टीमें गठित की। टीमें गठित के दौरान तफ्तीश गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी गुरविंदर उर्फ बंटी को गांव बस्ताड़ा करनाल से गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल जेसीबी मशीन बरामद कर ली गई है, जो आज हत्या आरोपी गुरविंदर को अदालत में पेश किया गया है, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। आसपास के बस्ताड़ा में भट्ठे के पास एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है और किसी ने उसकी हत्या कर दी। जो हम वहां पहुंचे तो हमने डेड बॉडी को वहां से एफएसएल टीम वगैरह बुला के उसको वहां से पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में भिजवा दिया। उसके बाद हमने वहां पे पता किया कि भई ये किसने किया है, तो ये दोनों दोस्त थे। एक मरने वाला जो अपना गुरदीप सिंह था और जो मारने वाला है बंटी। ये बंटी इस पे जेसीबी पे ऑपरेटर है और गुरदीप ट्रैक्टर ट्रॉली का काम करता है वहाँ। तो ये अच्छे दोस्त थे दोनों, तो वहीं भट्ठे पे ही सोते थे ये। तो 2-3 दिन पहले इनकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था आपस में, तो उसकी रंजिश रखते हुए इकट्ठे ही सोते थे ये। तो कल रात इसने 2 बजे रात को उठ के जेसीबी स्टार्ट करके और जेसीबी के पंजे से उसके ऊपर पंजा मार के और उसको वहीं मार के और वहां से भाग गया। कितने बजे की घटना है सर कल रात की? ये 2 बजे की घटना है रात, यानी जो परसों और कल के दरमियान जो रात थी तब की घटना है। हाँ जी। और सूचना कब प्राप्त हुई पुलिस को? सूचना कल सुबह 7:30-7:30 बजे। तो कितनी देर में पुलिस को ये कामयाबी मिली, कहाँ से आरोपी को अरेस्ट किया गया और जो मरने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? जो मरने वाला था वो लखनौती सहारनपुर का रहने वाला था और जो आरोपी है वो बबैल गांव पानीपत में पड़ता है। तो हमें गुप्त सूचना मिली थी कि वो अभी गांव में ही पहुंचा है, जो हम तुरंत वहां पे जाके और उस बंदे को हमने अरेस्ट कर। तो क्या कोई इनकी हिस्ट्री भी रही है, इस तरह कोई हिस्ट्री शीट है इसमें से, या फर्स्ट टाइम ये क्राइम किया इन्होंने? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है ऐसी। बाकी अभी उसका रिकॉर्ड हम चेक करेंगे, अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है उसकी तो उसके बारे में भी हम जाँच। तो दौरान जाँच अभी तक आरोपी ने कुछ और नहीं बताया? दौरान जांच जेसीबी तो हमने बरामद ही कर ली थी, जो हमने ये थाने में खड़ी कर रखी है जी। बाकी अभी हम पूछताछ और भी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया शामिल में लाई जाएगी? इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके इसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा। जुडिशियल रिमांड में। और ये तस्वीर ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.